तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार 36 दिन कंप्लीट करके आज 37वें दिन में एंट्री मार ली है और आज है सिनेमा डे और ये सिनेमा डे यादगार रहने वाला है क्योंकि जवान ने एक जबरदस्त ऑफर निकाला है। मात्र 99 रुपये में टिकट के प्राइस कर दिए हैं, वो भी बड़ी से बड़ी टिकट के प्राइस मात्र 99 रुपये में इस सिनेमा डे के लिए, खास इस ओकेशन के लिए। और ये बहुत ज़बरदस्त मूव है, बहुत ही स्ट्रेटजिकल, एक माइंडेड, सुपर माइंडेड मूव है। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था कि बाय वन गेट वन फ्री निकाला था, फिर एक बार के लिए टिकट लो कर दिए थे, लेकिन अब जवान ने और भी ज़्यादा टिकट प्राइस लो कर दिए सिर्फ आज के लिए, वो भी सिनेमा डे को इम्पोर्टेंस देते हुए। तो ज़बरदस्त है, जवान के मेकर्स द्वारा हमेशा अच्छे अच्छे मूव चले जा रहे हैं और यहीं से ये लोग सफल भी हो रहे हैं। साथ में जो नई मूवियाँ चल रही हैं उनको तो इसने खदेड़ ही दिया है। मिशन रानीगंज मूवी की भी कमाई पूरी ही तरीके से स्लो हो चुकी है और ऊपर से वर्किंग डे चल रहा है तो वर्किंग डे में डिप देखने को मिलता ही है। और वर्किंग डे का अधिकतर फ़ायदा मैं कह रहा हूँ सिर्फ जवान लेकर जा रही है और ज़बरदस्त तरीके से लेकर जा रही है। तो आज बात करते हैं जवान ने कितनी कमाई कर ली है, कल का दिन कैसा रहा, आज का दिन कैसा चल रहा है और ये मूवी कितनी कमाई कर सकती है, तो सभी चीज़ों पर बात करेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को एक लाइक जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में मात्र 300 करोड़ के भारी भरकम खर्चे से इस मूवी को कंप्लीट करा गया है, जिसके मेन लीड में आपको द किंग खान बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, वो भी मल्टीपल रोल्स में देखने मिलेंगे। आपको वही बाप है वही बेटे हैं इस टाइप का रोल आपको देखने को मिलने वाला है। साथ में मल्टीपल कैमियोज भी हैं जिसमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त को दिखाया गया है और सपोर्टिंग कास्ट इज अमेजिंग। सपोर्टिंग में नयन थारा और प्रिया मणि, सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर, अमेजिंग जॉब डन बाय ऑल ऑफ देम स्टार्स। इसी के बाद नेगेटिव रोल में विलेन विजय सेतुपति, अमेजिंग, सुपर फैंटास्टिक जॉब डन बाय हिम ऑल्सो। अकेला बंदा ये भारी पड़ा है पूरे SR के मल्टीपल रोल पर। कॉन्टेंट इज सुपर अमेजिंग। सोशियो पॉलिटिकल एंड करप्शन के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से बात उठाई गई है। तो बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो मूवी ने पहला हफ्ता शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया था, सिर्फ हिंदी से 327 करोड़ की कमाई करके फास्टेस्ट 300 करोड़ कंप्लीट करने में ये मूवी नंबर वन रही है। उसके बाद फर्स्ट वीक इसने नेट इंडियन कलेक्शन से 369 करोड़ का रहा है और पूरी दुनिया से 660 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली थी। फास्टेस्ट ग्रॉसिंग के मामले में ये मूवी नंबर वन पर आ गई थी फर्स्ट वीक में ही। इसी के बाद जब सेकेंड वीक कंप्लीट किया मूवी ने तो सिर्फ सेकेंड वीक में कमाई करी थी नेट इंडिया से 136 करोड़ और जिसमें सिर्फ हिंदी से 125 करोड़ आया था। और जब पूरा दोनों हफ्ते कंप्लीट करे तो पहले दो हफ्तों की कमाई हो चुकी थी सिर्फ हिंदी से 466 करोड़ और नेट इंडियन कलेक्शन 520 करोड़ का हो चुका था। पूरी दुनिया से यह मूवी 922 करोड़ के ह्यूज आंकड़े को अपने नाम कर चुकी थी। बात करें 20वें दिन की तो 20वें दिन तक आते आते सिर्फ हिंदी से 515 करोड़ ये मूवी कमा चुकी थी और नेट इंडियन कलेक्शन 571 करोड़ हो चुका था। तो हिंदी का कलेक्शन बहुत मायने रहा है, हिंदी का कलेक्शन हमेशा ह्यूज नंबर रख के रहा है अपने पास, एक अच्छा खासा डेटा रख के इस मूवी को काफ़ी आगे तक बढ़ाया है, बूस्ट कराया है। तो पूरी दुनिया से ये मूवी 1000 के क्लब में एंट्री मार चुकी थी 20वें दिन तक आते आते और 1022 करोड़ का कलेक्शन ये कर चुकी थी। थर्ड वीक का ही मैं बताऊं, थर्ड वीक कंप्लीट करने से पहले सिर्फ थर्ड वीक में इस मूवी ने कमाई करी थी टोटल नेट इंडियन कलेक्शन से 55 करोड़ की और हिंदी से 52 करोड़ की ये मूवी कमाई कर चुकी थी। और लेकिन इसी के साथ साथ द ग्रेट इंडियन फैमिली विकी कौशल की मूवी आ चुकी थी लेकिन कुछ भी ना उखाड़ पाई और थर्ड वीक में भी ज़बरदस्त कमाई कर रही थी। गदर 2 अभी भी चल रही थी और गदर 2 ने इस टाइम पर आते आते तक पठान के हिंदी में नंबर वन पर जो रिकॉर्ड पर बैठी थी उसके रिकॉर्ड को बीट डाउन कर दिया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद जवान ने फिर उस रिकॉर्ड को बीट डाउन करके नंबर वन पर आ चुकी थी हिंदी में कलेक्शन के मामले में। तो बात करते हैं 25वें दिन तक आते आते मूवी ने क्या कमाई करी। 21, 22, 23 और 24 दिन जबरदस्त कमाई करी है, ऐसा नहीं था कि स्लो रही, एवरेजली अच्छी खासी ग्रोथ रही क्योंकि यहां पर बीच में वर्किंग डेज भी थे। तो 25वें दिन तक आते आते मूवी टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 607 करोड़ कर चुकी थी, मतलब 25वें दिन तक आते आते नंबर वन ग्रॉसर मूवी बन चुकी थी इंडियन नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में, जिसने 600 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी थी। बॉलीवुड हिंदी सिनेमा की बात कर रहा हूँ। इसके साथ
31वें और 32वें दिन सैटरडे और संडे का फुल फ़ायदा उठाया मूवी ने, ज़बरदस्त कमाई करी और यहाँ तक आते आते तीन चार मूवी और आ चुकी थी। सनी देओल के बेटे की दोनों फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग, वैक्सीन वॉर और क्या कहते हैं मिशन रानीगंज और फुकरे 3 तो साथ में चली रही थी, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ कलेक्शन सिर्फ फुकरे 3 और मिशन रानीगंज के पास था। बाकी की मूवियाँ ओपनिंग भी अच्छे से नहीं कर पाई, इन मूवीज की ओपनिंग 1 करोड़ तक की कलेक्शन भी नहीं कर पा रही थी, जबकि मूवी ये 31वें 32वें और 33वें दिन तक आते आते 1-1 करोड़ की कलेक्शन अपने खाते में रख रही थी। सिर्फ हिंदी का कलेक्शन मैं बता रहा हूँ, जिसमें तमिल तेलुगू का कोई इतना अच्छा योगदान नहीं था। तमिल तेलुगू की ग्रोथ मैं कह रहा हूँ अब ख़त्म ही हो चुकी है, मात्र 1 लाख 2 लाख या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख आते दिख रहा है, वो भी वीकेंड्स में, और वर्किंग डेज में तो 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख ऐसे ही कमाई आते दिख रही है साउथ से। तो सिर्फ हिंदी से ही बहुत ज़्यादा कब्जा करके तो ये बैठी बैठी पड़ी और बहुत ज़्यादा कमाई सिर्फ हिंदी से ही आते दिख रही है इस मूवी की। 33वें 34वें दिन भी ज़बरदस्त कमाई करी मूवी ने, लेकिन 35वें दिन की बात करूँ, यहाँ से आज सिनेमा डे के लिए ऑफर चलना शुरू हो गया था। 3 दिन पहले से ही जवान के मेकर्स ज़बरदस्त तरीके से 99 रुपीज पर टिकट का ऑफर चलाने के लिए ये प्रमोशन लगातार कर रहे थे। बट होता यह है कि यार अगर मूवी के प्राइस स्लो हो जाते हैं किसी भी एक खास दिन तो लोग क्या, अगर जिस दिन महंगी टिकट है उस दिन नहीं जाएंगे, जिस दिन सस्ती टिकट है ऑब्वियसली उस दिन जाएंगे। बट 3 दिन पहले अगर हम देखें तो उस टाइम पर भी डे 35 की मैं बात कर रहा हूँ परसों की, उस टाइम पर भी ज़बरदस्त ग्रोथ करी थी मूवी ने, और कल की मैं बताऊँ तो कल तो और भी अच्छी कमाई करी है, क्योंकि आज 13 अक्टूबर है और आज सिनेमा डे है, तो लोग क्या कहते हैं जो कल जाने वाले थे वो एक बार के लिए रुक सकते थे क्योंकि आज प्राइस स्लो थे, और कल जो है सैटरडे का वीकेंड लग जाएगा और फ्राइडे बहुत सी जगह पर ऑफ भी रहता है बट ऑफ नहीं भी रहता है, लेकिन शाम में थिएटर हाउस फुल भरे रहते हैं क्योंकि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कल सैटरडे है और सैटरडे का हॉलीडेज भी रहते हैं और संडे तो है ही। तो मैं आपको बताऊं तो 35वें दिन जबरदस्त ग्रोथ करी हिंदी से 1.03 करोड़, टोटल नेट इंडियन कलेक्शन तीनों लैंग्वेज को मिला के 1.04 करोड़, वही मैं कह रहा हूं ना, तमिल तेलुगु से सिर्फ 1 लाख की कलेक्शन आई थी परसों के दिन पर, और टोटल हिंदी से 569.50 करोड़, और मतलब अराउंड में आप 570 करोड़ ही मान के चलो, टोटल नेट इंडियन कलेक्शन तीनों लैंग्वेज को मिलाकर हो चुका है परसों तक 628 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन, ग्रॉस रहा था 743 करोड़, ओवरसीज से आ चुका था 377.50 करोड़, और यहां तक टोटल पूरी दुनिया से ये आंकड़ा हो जाता है 1123.50 करोड़। भाई साहब मैं वही कह रहा हूं ना कि इतना ऑफर चलने के बाद भी, इतना प्रमोशन करने के बाद भी लोगों ने मूवी को फिर भी प्यार दिया है, मतलब कोई भी कंडीशन, अनकंडीशनल लव बोल सकते हैं हम इसको शाहरुख खान के लिए, जबरदस्त फैन फॉलोइंग, जबरदस्त स्टारडम। बात करें कल यानी 6th Thursday की यानी 36वें दिन की, तो कल भी वर्किंग डे था लेकिन कल भी अमेजिंग कमाई करी। देखो 1 करोड़ की कमाई भी अमेजिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मूवी के सामने 3 से 4 फिल्में कॉम्पिटिशन में लगातार चल रही हैं, कुछ कुछ फिल्में पूरी धराशाही हो चुकी हैं, कुछ एक सोच फिर भी उनके पास होंगे, कहीं ना कहीं 200-300-400 सोच कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर चलो वो मान लिया जाता है, अगर वो 200-300 सोच सिर्फ जवान को मिल जाती है तो ये मूवी और भी ज़्यादा कमाई कर सकती थी, लेकिन जवान से फिर भी उन फिल्मों ने जो नहीं आई हैं कुछ सोच खाए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जवान ज़बरदस्त कमाई कर रही है। तो कल हिंदी से 1 करोड़ का कमाई करते नज़र आई और तीनों लैंग्वेज को मिलाकर टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 1.01 करोड़, कल भी 1 लाख की ही उम्मीद थी मूवी से साउथ कलेक्शन से और उतना ही आया। ह्यूज ग्रोथ इसी के साथ टोटल हिंदी से हो चुका था 570.50 करोड़ और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन हो चुका था 629 करोड़ तीनों लैंग्वेज को मिलाकर। तो ग्रॉस रहा कल कितना 1.5 करोड़ या फिर 1.4 करोड़ के आसपास, और पूरी दुनिया से कल 2 करोड़ की कमाई करते दोबारा से नजर आई है ये फिल्म, मतलब ओवरसीज से 50 लाख ही आते दिखाए। इसी के साथ पहले 36 दिन में ग्रॉस कलेक्शन हो चुका था 748 करोड़ और ओवरसीज से हो चुका था 378 करोड़ का कलेक्शन कल एंड ऑफ द डे तक हो चुका था। इसी के साथ पहले 36 दिन में ये मूवी 1125.50 करोड़, अराउंड में आपको इसे 1126 करोड़ का ही कलेक्शन मान के चलो, तो ज़बरदस्त कलेक्शन ये मूवी कर रही है और ज़बरदस्त तरीके से हर दिन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड क्रिएट कर रही है, क्योंकि ऐसा होता है कि इतने टाइम तक आते आते मूवी जब इतनी पुरानी हो जाती है तब इतना फुटेज नहीं मिलता है, और सामने जब इतना कंपटीशन चल रहा हो, फुकरे 3 अभी भी चल रही है, मिशन रानीगंज अक्षय कुमार की मूवी कहीं ना कहीं वो सोच खा रही है, हाँ ग्रोथ बहुत स्लो हो चुकी है क्योंकि वर्किंग डे है और वर्किंग डे का असर सभी पर पड़ता है, लेकिन जवान उस रेज को झेलते हुए आ रहा है और सारे कॉम्पिटिशन में जितनी मूवी है उन सबको खदेड़ते हुए भी आ रहा है।
और कल से मैं कह रहा हूँ, कल पोस्टर पे पोस्टर निकाल कर रेड चिली ने अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर नए नए पोस्टर के साथ ये प्रमोशन किया था कि आज सिनेमा डे के लिए 99 रुपीज़ का ऑफर रखा जा रहा है टिकट प्राइस के लिए। उसके बावजूद भी कल ज़बरदस्त तरीके से कमाई करते नज़र आई थी ये मूवी। बात करें आज यानी 37वें दिन यानी आज फ्राइडे की कैसी ग्रोथ चल रही है, तो आज भी वर्किंग डे है, लेकिन वही बात है कि आज ये मूवी ज़रूर कमाई करते आगे नज़र आएगी, क्योंकि एक तो दूसरी तरफ यहाँ पर प्राइस टिकट के स्लो हो चुके हैं, तो जो बंदे डबलिंग मारने की भी सोचेंगे तो यस ईजिली ये इनके लिए ईजी चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस बिल्कुल ना के बराबर देखी जाए तो 99 रुपीज़ कोई बड़ी रकम नहीं होती है, तो यहाँ पर फैमिली ऑडियंस के लिए एक बार के लिए फिर ये फर्स्ट चॉइस हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कॉम्पिटिशन भी चल रहा है, बट इतना कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। बाकी सैटरडे और संडे, कल वीकेंड है इसलिए यहाँ पर आज ग्रोथ जरूर हाई जाएगी, और होता भी यही है कि फ्राइडे को ग्रोथ हाई चली जाती है क्योंकि सैटरडे काफ़ी लोगों का ऑफ रहता है। तो आज मैं बताऊं तो आज की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 10-11% की है पूरे दिन की थिएटर हाउस में, और लगभग आज भी अर्ली एस्टिमेट लेते हैं आज भी नेट इंडियन कलेक्शन 1 करोड़ की कमाई करते नजर आ रही है, और सिर्फ हिंदी से 98-99 लाख का कलेक्शन आता दिख रहा है, और पूरी दुनिया से ये मूवी आज डेफिनेटली 2 करोड़ की कमाई करते नजर आ रही है। इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 37 दिन में ही ये मूवी 571 करोड़ की कमाई कर लेगी। एक्चुअल आंकड़ा है 571.45 करोड़ का, मार्वलस आंकड़ा। इसी के साथ पहले 37 ही दिनों में ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट से 630 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी, और मात्र 20 करोड़ बचते हैं इस मूवी को 650 करोड़ का आंकड़े को कवर अप करने के लिए। भाई साहब, लियो और गणपत ये मूवी 19 और 20 तारीख को आ रही है, अगर इससे पहले हिंदी से जो अभी पहुंच चुकी है 572 करोड़, और नेट इंडियन कलेक्शन से ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक पहुंच जाएगी 630 करोड़, और पूरी दुनिया से ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक कमाई कर रही है 1127 करोड़। तो मात्र थोड़े थोड़े इससे डेटा का फासला है, और ये मूवी 19 से 20 ये तीनों रिकॉर्ड जब ये एक साथ क्रिएट करेगी, हिंदी से 600 करोड़, और क्या कहते हैं नेट इंडियन कलेक्शन से 650 करोड़, और पूरी दुनिया से 1150 करोड़, अगर ये हो जाता है भाई साहब, इस रिकॉर्ड को, इन तीनों रिकॉर्ड को बीट कर पाना इतना आसान नहीं होगा। मात्र एक मूवी में वो पोटेंशियल है, वही मैं बार बार कह रहा हूँ, टाइगर 3 बस वही कर सकता है। डंकी और सालार इनमें इतना दम नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि क्लैश हो रहा है, और ज़बरदस्त भयंकर वाला क्लैश हो रहा है। आप कितने भी वीकेंड रख लो, हाँ क्रिसमस का वीकेंड है और न्यू ईयर का वीकेंड है, मतलब इस टाइम पर 8-10 दिन का ज़बरदस्त हॉलीडेज़ मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर फिर भी ये मूवी इतनी कमाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि डंकी नॉर्थ में बिल्कुल पकड़ बना के बैठ चुकी है और सालार साउथ में डंकी को चलने नहीं देगी, तो ये नॉर्थ एंड साउथ बेल्ट की लड़ाई हो जाएगी फिर से, और डंकी सिर्फ साउथ में कब्जा जमा के बैठेगी। 20-25% सोच मैं कह रहा हूँ प्रभास को मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा की उम्मीद वो करेंगे भी नहीं और उन्हें नहीं मिलेंगे। तो ये मूवी अगर ये तीनों रिकॉर्ड को अपने नाम कर लेती है भाई साहब, मज़ा आ जाएगा, ज़बरदस्त कलेक्शन हो जाएगी, ज़बरदस्त रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा बॉलीवुड की हिंदी मूवी के लिए, जो 1 पर बैठ जाएगी। तो आप लोगों की क्या राय है, क्या ये मूवी हिंदी से 600 करोड़ कंप्लीट कर जाएगी आने वाले 7-8 दिन में, और 650 करोड़ नेट इंडियन कलेक्शन से कंप्लीट कर जाएगी आने वाले 7-8 दिन में, या फिर 1150 करोड़ ये मूवी कंप्लीट कर जाएगी पूरी दुनिया से कलेक्शन के मामले में आने वाले 7-8 दिन में? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।